Dear students, welcome back. Your examination of semester 6 is very near. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपके लिए VVI questions कौन कौन से हो सकते हैं 2024 में. तो इसमें इस वीडियो में मैंने सारे questions दिए हैं कोर कोर्स 13, 14 एंड DSE papers के दोनों groups A एंड B, यानी नेचर एंड लिटरेचर और स्टडी ऑफ शेक्सपियर का. चलिए हम लोग शुरू करते हैं. पहला जो पेपर है आपका कोर कोर्स 13, उसमें देखिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसकी तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे. चलिए हम लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, उनको देख लेते हैं. राइट द आंसर्स इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स. ग्रुप ए में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें से जो 10-10 मार्क्स के दो क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं, इसमें से आप तैयार कर सकते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फीचर्स ऑफ 20th सेंचुरी यूरोपियन ड्रामा. दूसरा है डिस्कस द थीम ऑफ ट्रेजेडी एंड हीरोइज्म इन मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा. आप फीचर्स ऑफ यूरोपियन ड्रामा अगर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की तैयारी आपकी हो जाएगी. राइट अ नोट ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज इन मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा. अगला है राइट अ नोट ऑन स्टेज एंड सेटिंग इन मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा. और फिफ्थ है हाउ वी फाइंड द रिफ्लेक्शंस ऑफ रियलिज्म इन मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा. राइट अ नोट. ग्रुप बी में जो तीन क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप तैयार कर सकते हैं राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द प्ले घोस्ट्स. वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ इब्सन्स घोस्ट और इवेल्युएट द कैरेक्टर ऑफ हेलेन एल्विंग. ठीक है. दूसरा है इवेल्युएट द कैरेक्टर ऑफ शेंटी और वॉट आर द थीम्स ऑफ द प्ले डिस्कस इन द गुड वुमन ऑफ सिजवान. ठीक है. और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले द गुड वुमन ऑफ सिजवान. अगला क्वेश्चन जो तैयार करना चाहिए आपको, व्हाट इज द थिएटर ऑफ एब्सर्ड. हाउ इज राइनोसोरस थिएटर ऑफ एब्सर्ड. तो राइनोसोरस से आपको ये तैयार करना चाहिए. राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ बेरेंजर और व्हाट इज द थीम ऑफ राइनोसोरस और व्हाट सिंबल इज शोन इन द प्ले. राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द प्ले. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कोर कोर्स 13 में. अब हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे कोर कोर्स 14 का. चलिए देखते हैं. राइट द आंसर्स इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स. ये आपको पता ही होगा. दो क्वेश्चंस आपको लिखने हैं 10-10 मार्क्स के. पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोस्ट कॉलोनियल सेंसिबिलिटी. दूसरा है राइट अ नोट ऑन द फीचर्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंग्लिश लिटरेचर ऑफ इंडिया. तीसरा है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म ऑन अफ्रीकन इंग्लिश लिटरेचर. तो ये सारे क्वेश्चंस वीडियोज में आपको मिल जाएंगे. अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन आइडेंटिटी एंड जेंडर इन लिटरेचर. अगला है राइट अ नोट ऑन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंग्लिश इन अमेरिका. और लास्ट में है राइट अ नोट ऑन द फीचर्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स. ठीक है. तो ये क्वेश्चंस हैं. ग्रुप बी में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो तीन लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से आप तैयार कर सकते हैं क्रिटिकली इवैल्यूएट द टाइटल ऑफ द नॉवेल द वाइट टाइगर विथ इट्स सेंट्रल थीम. या फिर तैयार कर सकते हैं व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल द वाइट टाइगर. क्रिटिकली स्केच द कैरेक्टर ऑफ बलराम हलवाई. बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगला है हाउ डज द नॉवेल द वाइट टाइगर डिस्कस द सिंबल ऑफ क्लास स्ट्रगल फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी. ये इंपॉर्टेंट है. दूसरा जो नॉवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट, एक मास्टरपीस है कैसे 20th सेंचुरी अफ्रीकन नॉवेल, इसको डिस्कस करना है. और क्रिटिकली स्केच द कैरेक्टर ऑफ ओकोंको. तीसरा है डिस्कस द थीम ऑफ स्लेवरी पैट्रियार्की इन द नॉवेल वाइट सरगासोसी और स्केच द कैरेक्टर ऑफ एंटोइनेट और एक्सप्लेन द मेन कंसर्न ऑफ जीन राइस इन द नॉवेल वाइट सरगासो सी. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए. चलिए DSE 3 जो ग्रुप ए है नेचर एंड लिटरेचर का, जिन्होंने ऑप्ट किया है उनके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. दो क्वेश्चन आपको लिखना रहता है 10-10 मार्क्स के. पहला है राइट अ नोट ऑन द फिलोसॉफिकल आइडियाज यूज इन वॉल्डन बाय थॉरियो और राइट अ नोट ऑन द मैसेज गिवन बाय थॉरियो इन वॉल्डन और हाउ डज वॉल्डन शो द सिंपल लिविंग इन नेचुरल सराउंडिंग्स और राइट अ नोट ऑन द सेल्फ रिलायंस इन वॉल्डन. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए. दूसरा है डिस्कस द यूज ऑफ नेचर इन
characters in Ruskin Bond's short stories, write a note on the theme of The Room of Many Colors, write the narrative technique and style of Ruskin Bond, or write the features of short stories of Ruskin Bond, or write the critical theme of The Funeral or The Fight. Answer any three questions, jo long questions hain unke liye. Critically appreciate Walden as a great work of Thoreau, or give a critical estimate of the use of transcendentalism and evaluate Thoreau as a transcendentalist, or critically analyze the theme of Walden. Ye important questions hain. Evaluate Ruskin Bond as a great storyteller in the light of the stories written by him, or critically evaluate The Fight or The Tunnel. Time stops at Shamli takes the readers on a journey of Indian culture, isko justify karna hai, or discuss the theme of The Most Beautiful, or write a critical summary of the story The Room of Many Colors. DSC 4 mein dekhte hain hum log nature and literature. Pehla short question hai, describe the relationship between Pia and Fakir. Dusra hai, what is the theme of The Hungry Tide, discuss. Tisra hai, write the theme of Dutts, yani Toru Dutts' theme of poetry. Chautha hai, Sarojini Naidu as a great Indian poet of all ages. Panchma hai, how Sarojini Naidu presents the theme of change in autumn song, write a note. Tisra hai, Hungry Tide as a novel of nature, struggle and relationship, discuss. Discuss Toru Dutt's love for nature and her emotion for nature. Or panchma hai, describe Daruwala's theme of poetry and central idea. लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको तैयार करना चाहिए उसमें है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवेल द हंग्री टाइड, और क्रिटिकली स्केच द कैरेक्टर ऑफ पिया और कन्हाई. अगला है, द लाइफ ऑफ नीलिमा इज डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, एक्सप्लेन. और हाउ इज द लाइफ इन टाइड्स फुल ऑफ हार्डशिप, फियर एंड अनसर्टेनिटी, डिस्कस. ये हैं लॉन्ग क्वेश्चंस. वन लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है पोइट्री सेक्शन से, उसमें है, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम बॉग मैरी, जिसे लिखा है तोरू दत्त ने. क्रिटिकली एप्रिशिएट द पोएम द फिश बाय केकिन दारूवाला, और व्हाट इज द थीम ऑफ द कोरोमंडल फिशर्स, इवेल्युएट क्रिटिकली. या आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन तैयार कर सकते हैं द कोरोमंडल फिशर्स का, जो कि सरोजिनी नायडू का पोएम है. अब हम लोग DSC पेपर 3 ग्रुप बी में शेक्सपियर का देख रहे हैं, स्टडी ऑफ शेक्सपियर. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, दो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं. राइट अ नोट ऑन द फीचर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ शेक्सपियरियन हिस्टोरिकल प्लेज. वॉट आर द रीजन्स ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल प्लेज ऑफ शेक्सपियर, राइट अ शॉर्ट नोट. तीसरा है, शेक्सपियर वॉज नॉट अ हिस्ट्री क्रॉनिकल बट प्योरली एन आर्टिस्टिक प्ले राइट, इस पर नोट लिखना है. चौथा है, राइट अ नोट ऑन द हिस्टोरिकल कैरेक्टर ऑफ द प्लेज ऑफ शेक्सपियर. आंसर एनी थ्री क्वेश्चंस जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. राइट अ क्रिटिकल कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रिंस हैल फ्रॉम हेनरी फोर्थ. राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन हेनरी फोर्थ एज ए हिस्टोरिकल प्ले. हाउ हैज ही प्रेजेंटेड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड थ्रू द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट वन. क्रिटिकली स्केच द कैरेक्टर ऑफ रिचर्ड टू. अगला है, डिस्कस द प्लॉट एंड थीम ऑफ प्ले रिचर्ड टू. और लास्ट है, हेनरी फोर्थ पार्ट टू इज द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर ऑफ प्रिंस हेनरी और हैल इन हेनरी फोर्थ जस्टिफाई. सो दीज आर द क्वेश्चंस. DSC 4 में जो स्टडी ऑफ शेक्सपियर है उसमें आपको तैयार करना चाहिए. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिफरेंस बिटवीन शेक्सपियरियन सोनेट्स एंड पेट्रार्कन सोनेट्स. दूसरा है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स. तीसरा है, शेक्सपियरियन सोनेट्स आर बेस्ड ऑन द थीम ऑफ लव, डिस्कस. और चौथा है, डिस्कस द थीम्स ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपको तैयार करना चाहिए. डिस्कस द थीम ऑफ शैल आई कंपेयर दी. दूसरा है, क्रिटिकली अप्रिशिएट द सोनेट नो लॉन्गर मॉर्न फॉर मी. तीसरा है, एक्सप्लेन द मेन आइडियाज ऑफ द सोनेट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स. चौथा है, लाइक एज द वेव्स इज अ थीमेटिक सोनेट, डिस्कस क्रिटिकली. और पांचवा है, फेयरवेल Thou art dear is a sonnet of love and separation, explain. So dear students, this way, these are very important questions for you, VVI for you. So prepare these questions for your exam. Best of luck for your exam. Keep watching, keep sharing, keep commenting. Bye-bye.